सो हेई वेलकम अगेन ऑन अनदर डे। आज बहुत 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 ज़्यादा गुड मॉर्निंग फील हो रही है दोस्तों, और गुड मॉर्निंग फील इसलिए हो रही है क्योंकि साउंड में एक नंबर का मज़ा आ रहा है। और जीटी भाई बहुत बेशुमार जिसे बोलते हैं ना, वो पावर भरी हुई है। और ये चीज़ आप जिस बंदे से उससे पूछो जो 350 या फिर 400 सीसी चलाने के बाद एक जीटी चलाता है। जीटी कैफे रेसर है, एक पोस्चर वाइज एक पावर वाइज एक अलग ही फील आता है भाई, अलग ही फील। मैं इस फील को ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में। आप जीटी की तरफ थोड़ा सा बढ़िए या फिर आप जीटी चला के देखिए एक बार, बहुत अलग फील आता है, और स्पेशली साउंड के साथ। अभी देखना, साउंड कैप्चर करना है, ठीक है। देखा होए साउंड भाई, गदर जिसे बोलते हैं एकदम से, मतलब कि लो आरपीएम पे भी, मतलब आपको ना ये लगा लो कि यू हैव द AK-47 इन योर हैंड। इतना जबरदस्त साउंड है ना, कान खड़े हो जाते हैं आस पड़ोस में लोगों के। और रोड पे प्रेजेंस अपने आप को दर्शाती है ये बाइक। कोई भी आपके आगे चल रहा हो, पीछे चल रहा हो, अगर आपने हल्का सा भी रेव कर दिया, और जो गुर्राहट है इसके साइलेंसर्स की, एग्जॉस्ट की, जो AEW मैंने लगा रखे हैं, या फिर आप गुरसेवक यूज करते हैं, गुरसेवक में थोड़ा बेसी साउंड आता है, बेस उसमें होता है, और AEW में आपको एक स्लीक बिल्कुल जिसे बोलते हैं और क्रैकलिंग साउंड आता है। देखो हार्ले टाइप हुआ कैप्चर, तो AEW में आपको एक स्लीक जिसे बोलते क्रैकलिंग साउंड आता है, और क्रैकलिंग साउंड के बाद ये लगा लो कि एक नंबर फील है भाई चलाने में, मतलब। और दूसरी चीज, एक्सेलरेट जब आप करते हो ना, एक्सेलरेट करने में जब कितने प्यार से बिल्कुल स्मूथली इंजन आगे बढ़ता है, बिल्कुल स्मूथली, ना तो कोई वाइब्रेशन फील होता है एज इट इज लाइक इन हार्ले। हार्ले में आपको वाइब्रेशन फील होता है, सेम एज इट इज क्लासिक 350 आपको वाइब्रेशन फील होगा एक्सेलरेट करोगे जब। और आगे शॉकर्स वगैरह इतने स्मूथ चलते हैं ना, और इतनी हैवी बाइक बिल्कुल रोड पे अपनी प्रेजेंस बना के चलती है, उससे एक अलग ही चार चांद लग जाते हैं इस बाइक को चलाने में। तो आज इसके अपडेट की बात करेंगे, जो न्यू मॉडल है 2021 जो आया था 2021 में OBD1 के साथ, और अब जो मॉडल है वो है OBD2 अपडेट है उसका। तो बिल्कुल माइनर से चेंजेस हैं जो आपको दर्शाएंगे, अभी कंपैरिजन के साथ पूरी वीडियो शूट करूंगा। तो आओ, पहले चल रहे हैं अपन दोस्तों घर, वहां से उठाएंगे माइक, क्योंकि अभी फिलहाल मैं गया हुआ था, अपना एक ऑफिशियल स्टिकर इन हमने जनरेट किया है, स्टिकर बहुत क्यूट बना है, तो मैंने यूट्यूब पे शेयर कर दिया है, आप भी जाके देखिए एक बार स्टिकर कितना प्यारा स्टिकर बना, और जितना उसके अगर प्यार दो यार, प्यार दिखाओ अपना प्लीज वीडियोस पे। और वैसे प्यार बहुत दिखा रहे हो यार, बहुत प्यार आ रहा लोगों से भर भर के, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्यार नहीं दिखाता कोई भी अदर यूट्यूबर्स की तरह, प्यार बहुत दे रहे हैं लोग, और लोग पसंद भी कर रहे हैं वीडियोस को, तो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच उसके लिए। और नेक्स्ट अगर आपकी कोई वीडियोस वगैरह, कोई भी आप अपडेट आता है आपके लिए जीटी का, तो मैं वो भी आपको शो कर दूंगा। और आज अभी आए हैं घर पे, उठाते हैं माइक, और माइक के बाद सीधा चलते हैं अपनी वीडियो शूट करने के लिए। तो मम्मी बाहर है भाई, माइक दियो, माइक माइक अड़े दे रहा है इसमें। तो आज क्या, अभी अपना माइक उठाएंगे, माइक लेके जाएंगे सीधा। क्या हुआ, स्कूल से आ गए? स्कूल गए थे? ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, अरे इधर है, हाँ नीचे जा रहा हो, ये रहे वही तो माइक दूसरा, हाँ तो अभी फिलहाल हम करेंगे शूट, और यहाँ पे तो ये आएगा नहीं, तो जेब में डाल लेते हैं इसको। लेकिन पावर बैंक भी है यार, इसमें फ़ोन नहीं है, सॉरी इसमें डाल लेते हैं दूसरी वाली जेब में। तो अब हम चलने वाले हैं,
सीधा अपने एक पंटर के पास और वो शूट करेगा वीडियो सारी। तो दोस्तों अभी कैप्शन और रिएक्शन शूट करेंगे। देखो कान कैसे खड़े हुए लोगों के, रेव करते ही कान खड़े हो जाते हैं, रेव करते ही। देखो वो बाइक वाला दूर से देखता जा रहा था कि कौन सी बाइक है। लोगों के कान एक मिनट में खड़े हो जाते हैं रेव करते ही। तो एक चीज़ और है, ये OBD2 में जब साइलेंसर्स गर्म होते हैं तब इनका साउंड एक अलग आता है निकल के, और OBD1 में क्या कि स्टार्टिंग में ही आपको एक वो पुश मिल जाता है साउंड का, जो आपको बढ़िया बेटर एक साउंड दे देता है। साउंड यार, इस बाइक को मेरा जो मेन मकसद था लेने का, देखो सिंपल सी चीज है, एक मिडिल क्लास फैमिली जब बंदा बाइक लेता है तो वो सबसे पहले क्या सोचता है, द कॉस्ट, और उसके बाद द मेंटेनेंस, और दूसरी चीज उस चीज को चलाने में जो यूज होता है फ्यूल, उस फ्यूल का प्रॉपर। हमने इस बाइक को मैंने इस बाइक को, देखो मेरा ओपिनियन ये है, मैंने इस बाइक को इसलिए लिया था क्योंकि कोई बंदा अगर बाइक लेता है, मान लो चलो मैं हार्ले लेता हूँ, मेरे को हार्ले जैसा साउंड चाहिए, मैं हार्ले ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ले महंगी पड़ेगी, कॉस्ट उसके लिए ये लगा लो कि डाउन पेमेंट भी अगर दे देते हैं उसके बाद भी आपकी कम से कम भी 15,000 से 18,000 रुपये इंस्टॉलमेंट बनेगी, कैश में आप ला नहीं पाओगे अगर आप मिडिल क्लास में हो। तो दूसरी चीज़ उसके बाद, चलो ठीक है मान लो ले भी लेते हो आप, ठीक है इंस्टॉलमेंट बंधवा लेते हो कैसे ना कैसे, जिद करके या कैसे भी, उसके बाद क्या करोगे, पेट्रोल का खर्चा। पेट्रोल की एवरेज इतनी लगा लो कि लोकल में उसकी एवरेज एटलीस्ट 16 की या फिर 15 की एवरेज आती है। अब उसके बाद तुम क्या ही चलाओगे उस बाइक को, या फिर क्या ही उसको राइडिंग पे लेके जाओगे। चलिए ठीक है ये भी मान लेते हैं, ठीक है राइडिंग में तुम लेके चलेगे, कर्जा कर लोगे थोड़ा बहुत। अब उसके बाद उस राइडिंग से आने के बाद उसका जो मेंटेनेंस, उसका जो सर्विस होगा, उस सर्विस में आप कितना पैसा गवाओगे भाई, वो सोचो। उसमें कम से कम भी आपका पर सर्विस 18,000 से 20,000 15,000 तक तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है क्योंकि हैवी इंजन है। और इसमें कंपेरिजन में आप वही चीजें लेके चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लाख रुपए की है, दोनों का सेम कॉमन लेके चलते हैं, चलो जिद करके आपने या फिर कैसे भी जुगाड़ करके आपने ले ली। सेकंड बेनिफिट, एवरेज आपको 24 से लेके 27 तक मिलती है, जो कि एक सेम एज इट इज नॉर्मल, अगर 350 cc कोई बाइक लेता है बुलेट, देखो ये खड़ी, तो बुलेट लेता है तो वो बुलेट भी एक टाइम के बाद 24 की एवरेज या फिर 25 की एवरेज पे आ जाती है, कंपनी जिसे 30 की क्लेम करती है, ठीक है सेम एज इट इज हो गया कॉपी वो सिस्टम। तो मतलब अगर बुलेट की एवरेज फाड़ सकता है, बुलेट की एवरेज निकाल सकता है अपनी पॉकेट से, तो इसकी भी एवरेज निकाल लेगा आराम से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आ गया अपना फ्यूल का, क्लियर होगा। थर्ड ऑप्शन आ गया मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट में इसके फर्स्ट सर्विस अराउंड 2600 रुपए की हुई, जिसमें कि जो भी चेंज हुआ है वो मैंने वीडियो बना के डाल रखा है चैनल पे, वो आप देख सकते हो फर्स्ट सर्विस मेरा कैसा कैसा क्या क्या चेंज हुआ। उसके बाद सेकंड सर्विस पे कुछ भी चेंज नहीं होना, इंजन ऑयल वगैरह कुछ भी नथिंग, और सिर्फ माइनर चेकअप्स होंगे, जो भी चेंज होगा वो होगा थर्ड सर्विस पे। थर्ड सर्विस भी फ्री है इसकी, लेबर कॉस्ट वगैरह, उसमें आपका ऑयल डलेगा और प्लस एयर फिल्टर डलेगा प्लस आपका जो भी पार्ट होगा वो डलेगा। कम से कम भी थर्ड सर्विस आपकी तब होगी जब कम से कम 1 साल बीत चुका होगा, 10,000 किलोमीटर मतलब 1 साल में आप निकाल लोगे, ठीक है। अब 1 साल के बाद तुम्हारा खर्चा जो आता है वो आता है 3,000 से 3,500 रुपए के आसपास। टोटल ईयर 1 साल में सिर्फ आपका खर्चा कितना हुआ, सिर्फ 5,000 रुपए।
और अगर इसको आप पर ईयर से कैलकुलेट भी करोगे ना, 650-700 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस कॉस्ट निकलता। तो यार इतना तो एक बंदा निकाल ही सकता है बिल्कुल आराम से। कोई बंदा स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो ना, कोई भी मतलब बंदा, कोई भी जॉब वगैरह वाला हो, आराम से ये मेंटेनेंस निकाल सकता है। ठीक है, तो अभी भाई बंदा अपना कहाँ पे बैठा है, इधर गाड़ी तो खड़ी है इसके, बंदा कहाँ पे बैठा, बंदा अंदर होगा मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल। तो देखेंगे अभी इस सीन को करेंगे कट, और बंदा जब अंदर है तो उससे करेंगे बात। फिलहाल हम जाने वाले हैं सीधा सोनीपत की तरफ, जो कि सोनीपत उस साइड पड़ेगा। अभी हम मूर्थल से आए हैं पीछे से, तो अब हम जाने वाले आगे की तरफ।